हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे और एम है हमारा टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए गिवन वायर बाय स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज के हेल्प से हम किसी वायर का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब बात यह है कि स्क्रू गॉज ही क्यों लिया गया, इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए, हमें मालूम है कि हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है उससे हम कम से कम 1 मिलीमीटर का मेजर कर सकते हैं। उससे छोटी यदि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पतला वायर है, तो हम उसकी डायमीटर को उसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से नहीं मेजर कर सकते। तो इसलिए हमें मीटर इसके स्क्रू गॉज की हेल्प की ज़रूरत होती है। चलो तो इसकी बारे में हम समझते हैं और मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ समझना है, ये आपको ये सिलेंड्रिकल फ्रेम है और सिलेंड्रिकल फ्रेम में देख रहे हैं आप कि एक नट जो है टाइट किया जा रहा है इसमें, है ना। ये आप नॉर्मल समझते हैं इस तरह से, और इसको ये आगे मूव करेगा, ये वाला पोर्शन जो है उसमें धीरे धीरे टाइट होता चला जाता है, और ऊपर वाले जिसमें हम टाइट कर रहे हैं उसको हमने यू शेप के एक फ्रेम में कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कि यदि हम ये जिसको हम टाइट कर रहे थे वही उसको हम कहते हैं, उसको हम टाइट करेंगे तो वो यहाँ से पास होता, जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा था। मैं फिर दोबारा से आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा, फिर आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ देख रहे हैं पीछे वाला जो स्क्रू था वो आगे निकल के आ रहा है, जैसे जैसे आप उसको टाइट करोगे यहाँ से ये आगे आ जाएगा, और इसे कहते हैं स्लीव। और इसके ऊपर जो बाहर जिसमें टाइट किया जा रहा है स्क्रू को, उसके ऊपर हमने एक स्केल बनाया हुआ है, इसे कहते हैं हम लीनियर स्केल। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में एक डिवीजन बनाई हुई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो ये दो डिवीजन के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपके जो थ्रेड है, जो स्क्रू हम टाइट किया है उस पर जो थ्रेड बनी हुई है उसके इक्वल है। ठीक है, थोड़ा देखें, ये है क्या चीज़ है, ये है लीनियर स्केल, या इसे हम कहते हैं पिच स्केल, लीनियर स्केल और पिच स्केल। इसे आगे देखिए, जिस पर आके वो दोनों स्क्रू आपस में टच करते हैं स्टड कहते हैं। इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को फिट करेंगे और उसके ऊपर ये जो फ्रेम बनाया हुआ है ये आपका है, इसको हमने टच नट, इसको ये ऊपर जिस पे सर्कुलर स्केल बनाया हुआ है, ये जो चीज़ है ये आपके वो अंदर जो स्क्रू टाइट किया था उसके पीछे की साइड से अटैच है। ये लीनियर स्केल को कहीं भी कनेक्ट नहीं होता। तो यदि हम लास्ट वाले जो पॉइंट है जहाँ मेरा ये जा रहा है कर्सर, ये आपका इसे कहते हैं हम रैचेट, इसकी हेल्प से हम स्क्रू को टाइट या लूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सर्कुलर स्केल बनाया हुआ है, यहाँ पे 0 आपको दिखाई दे रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए 10, 20, 30 वापस घूमते हुए यहाँ पर 90, 95, 100, यानी टोटल डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पर हैं वो 100 हैं। ठीक है, और वो लीनियर स्केल, अब समझ लीजिए लीनियर स्केल, उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लीनियर स्केल पर मिलीमीटर में डिवीजन बनी हुई हैं, और यहाँ पर सर्कुलर स्केल और इस पर टोटल डिवीजन 100 हैं। ठीक, आगे बढ़ें। अब देखिए पिच, हमें इससे पहले इसके बाद में हमें निकालनी होगी पिच। दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने में, पिच और एरर। तो सबसे पिच समझ लीजिए, पिच लीस्ट काउंट और एरर, इन तीन चीज़ों को हम अच्छे से समझना है। तो पिच का क्या मतलब है, पिच का मतलब है जो थ्रेड बनाए हुए थे स्क्रू पर उन थ्रेड के बीच की डिस्टेंस, वो पिच है। उसको हम बाहर से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस
moved by the screw or divided by number of rotation. यहाँ पर अब हम पिच की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या किया, हमने सर्कुलर स्केल को घुमाया और बहुत देखो कितने क्लियर से आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और हमने अपनी तरफ से ऐसे ही एडजस्ट कर लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ठीक सामने सर्कुलर स्केल का जीरो कर लिया, और यहाँ इसको हमने एडजस्ट कर लिया कितने पर, 2 मिलीमीटर. जो हमने येलो कलर का पॉइंट बनाया है ये आपका 2 मिलीमीटर पर है और हॉरिजॉन्टल लाइन के ठीक सामने जीरो है. अब हम क्या करेंगे, इसको 5 रोटेशन पीछे करेंगे, और 5 रोटेशन किसको, सर्कुलर स्केल को 5 रोटेशन पीछे कर रहे हैं जैसे आप तो समझ रहे हैं, और करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी लीनियर स्केल रीडिंग क्या है. लीनियर स्केल रीडिंग तो हम उसको डायरेक्ट पढ़ लेंगे, तो देखो कहाँ रहा है, 5, 6, 7, तो ये 7 मिलीमीटर आ गया. तो 7 मिलीमीटर पहले कितना था, 2 मिलीमीटर, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस करने के बाद आ गया 5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ रोटेशन कितने थे, 5, 5 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई 1 मिलीमीटर. ये क्या चीज आई, पिच. ठीक है, पिच के बाद या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 10 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर. ठीक, इसके बाद अब हमें निकालना लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि सर्कुलर स्केल को, अभी बात समझिए, तो आपने जो पिच निकाली है, पिच का मतलब क्या हुआ, 1 मिलीमीटर, आपने पिच की वैल्यू निकाली 1 मिलीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि आपका यदि सर्कुलर स्केल को हम 1 रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो डिस्टेंस जो कवर होगी वो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर होगी. पिच का मतलब ये है, फिर समझ लीजिए कि जब हम सर्कुलर स्केल को पूरा एक बार रोटेट कर रहे हैं तो कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर होगी वो पिच है, तो कितनी है, 1 मिलीमीटर. अब बात समझ लीजिए, और सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होते हैं, 100, तो हम केवल, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन को मूव कर रहे हैं. तो यदि हम एक डिवीजन को मूव करेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे तो क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी लीस्ट काउंट. ठीक है, तो देखिए 100 से 99 पर यदि आप आते हैं तो जितनी लीनियर डिस्टेंस कवर होगी वो होगी उसकी आपकी लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट कितनी आई, 0.01 मिलीमीटर. ये वैल्यू है, जबकि आपका नॉर्मल स्केल पर जो डिवीजन बनी होती हैं वो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में बनी होती हैं, इंचेज में बनी होती हैं, तो उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है. इसका मतलब है आप उससे कम उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप देखिए 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट को भी आसानी से मेजर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे जीरो एरर और बैकलेस एरर. जीरो एरर तो कुछ क्या होता है कि बनाते समय जब ये बनाया जाता है तो थ्रेड एकदम सही स्मूथ नहीं बने, स्मूथ नहीं बनती, या तो ऐसा हो सकता है या यूज करते करते वो स्मूथ नहीं रहती हैं, थोड़ी रब होती, धीरे धीरे रब होती रहती हैं तो वो घिस जाती हैं, तो वो एक प्रॉपर स्मूथली आगे पीछे मूव, स्क्रू मूव नहीं करता. तो ऐसा जब स्मूथली मूव नहीं करता तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए कि आपने सर्कुलर स्केल को 1 रोटेशन कंप्लीट किया तो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर हो जाती है, लीनियर स्केल पर 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी. लेकिन जब आप वापस उसको घुमा के लेके आओगे तो सर्कुलर स्केल का रोटेशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन डिस्टेंस उतनी कवर नहीं होती, वापस वो अपनी पोजिशन पर नहीं आता, तो इसे कहते हैं हम बैकलेस एरर. तो बैकलेस एरर होने पर ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है, चलिए देखें, तो फिर क्या होगा कि वो थोड़ा, जब बैकलेस एरर आती है तो थोड़ा जर्क होके झटके के साथ में वो स्क्रू चलता है. फिर निकालते हैं हम जीरो एरर. यहाँ समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझने की बात है. आप देखिए हमने क्या किया
हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले चेक करते हैं कि जीरो एरर है या नहीं है। तो हमने कोई वायर नहीं लगाया, उसमें कोई वायर नहीं लगाया है, और नहीं लगाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन के ठीक सामने जीरो आ रहा है या नहीं। यदि जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें कोई एरर है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद में ये डिवीजन कहाँ है, जीरो हमारा नीचे है, ये पहुँच गया 11 पर, हमने कोई वायर नहीं लगा रखा। और यदि इसमें एरर नहीं होती तो ये जीरो ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन के ठीक सामने होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही 11 डिवीजन की वैल्यू बता रहा है, हमने कुछ लगा ही नहीं रखा वहाँ, फिर भी ये वैल्यू बता रहा है। तो इसका मतलब है 11 में है, जब हम लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी कि इतनी इतनी डिस्टेंस ये गलत बता रहा है। गलत के मतलब ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एरर है, पहले से ही वो 11 की डिवीजन है तो ये पॉजिटिव एरर है। ठीक है, पॉजिटिव एरर है तो ये एक्स्ट्रा बता रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब है पॉजिटिव एरर। और यदि इसको फिर हमें क्या करना होगा, इसको कैसे एडजस्ट करना होगा, तो जब हम फाइनली रिजल्ट निकाल लेंगे, तो रिजल्ट निकालने के बाद हम इसको माइनस कर देंगे, जो नेगेटिव एरर आएगी 11 आई थे, 11 में से उसको माइनस कर देंगे, 11 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट जो वैल्यू आएगी उसको फाइनल रिजल्ट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये। और यदि इसमें आपकी होती नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर कब होगी, ये नेगेटिव एरर देखो ना, ये पॉजिटिव एरर है, देखिए 11 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लेंथ हो गई। इसमें अब देखिए ऑब्जर्व लेंथ में से आप एक्स्ट्रा लेंथ को माइनस करोगे क्योंकि वो पॉजिटिव एरर थी। अब ये दूसरी कंडीशन है, ये देखिए अब ये है नेगेटिव एरर, यहाँ हॉरिजॉन्टल उनको उन्होंने वर्टिकल कर दिया इसको, कोई बात नहीं। तो यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और आपकी सर्कुलर स्केल के जीरो के बीच में कितनी डिवीजन है, 10, क्योंकि वो 90 के ठीक सामने है। तो जीरो और 10 के बीच में कितनी डिवीजन हो गई, 10 डिवीजन हो गई। तो 10 को आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव एरर की। इसका मतलब ये है कि ये इतनी वैल्यू कम बता रहा है, तो हम जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी उसमें से इसको प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये बस समझ लीजिए कि प्लस क्यों करते हैं, माइनस क्यों करते हैं। नेगेटिव एरर है तो उसको हम प्लस करेंगे क्योंकि वो इतनी वैल्यू कम बता रहा है। इस केस में हम जीरो एरर कितनी है, नेगेटिव में है, इसलिए उसको हम प्लस करेंगे। सीशन में आ रही है आगे, चलिए और आगे बढ़े थोड़ा सा। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर, अब हम अपने प्रॉपर काम पर आ जाइए। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों स्क्रू के बीच में उस वायर को लगाएंगे, और वायर को लगाने के बाद फिर हम सर्कुलर स्केल और लीनियर स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। लीनियर स्केल कह दीजिए, पिच स्केल कह दीजिए। तो सबसे पहले इसको देखिए, हमने टाइट कर दिया, और समझिए ध्यान से, ये वायर जितना डायमीटर है उतना ही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, दोनों स्क्रू के बीच में उतना ही डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये समझने की चीज़ है। बस ये बात समझ में आ गई आपको तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जो वायर हमने वहाँ लगाया है, वहाँ जो वायर लगाया है, तब जब वायर नहीं था तो सर्कुलर स्केल की बाउंड्री कहाँ थी, जीरो पर, ठीक जीरो पर। और जब आपने वायर लगाया तो सर्कुलर स्केल की जो बाउंड्री है ये आपकी 1 मिलीमीटर की डिवीजन से थोड़ा सा आगे है।
तो इस पूरी लेंथ को जीरो से लेकर और सर्कुलर स्केल की बाउंड्री तक हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहला एक्स और दूसरा वाई। पहले एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम है 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये पिच के बराबर है, और वाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ठीक सामने कौन सी डिवीजन आ रही है, 31। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 31। 31 में आप लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर दो, तो 31 डिवीजन में कितनी लीनियर स्केल कवर हुई है जो कि वाई है, वाई की वैल्यू पता लग जाएगी। 31 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना, 1/100 मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी 0.31 मिलीमीटर। अब एक्स में उसको प्लस कर दोगे तो वो जो भी चीज़ आपने आगे दोनों स्क्रू के बीच में लगाई है उसकी डायमीटर हमें मिल जाएगी। ठीक है, समझे जरा फटाफट से। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 रोटेशन एक्स, एक्स पोर्शन 1 मिलीमीटर, वाई पोर्शन 0.31 मिलीमीटर, दोनों को प्लस कर दिया, वैल्यू आ गई 1 मिलीमीटर प्लस 0.31 मिलीमीटर, दोनों को प्लस कर दोगे क्या जाएगा, 1.31 मिलीमीटर या 0.131 सेंटीमीटर, ये आपकी टोटल लेंथ आ गई। यदि आपकी एरर आई है नेगेटिव आ रही है तो हम इसमें से उसको प्लस कर देंगे। यदि नेगेटिव आई या एरर आई है आपने कैलकुलेट की है तो आप क्या करोगे, इसे यहाँ से इसको प्लस कर लोगे, और पॉजिटिव आएगी तो इसमें से माइनस कर दोगे और वो वैल्यू हमें फाइनल रिजल्ट पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आपने वायर एक जगह लगा दिया, फिर उसके बाद में क्या है, मान लीजिए आपने क्या किया, देखो यहाँ वीडियो में मेरी तरफ देखिए, यहाँ एक बार आपने वायर को यहाँ लगाया, यहाँ लगा के लगा एक बार उधर में लिया, एक बार थोड़ा सा दूसरी जगह पर, फिर थोड़ा तीसरी जगह पर, इस तरह से लगा के आपने उसको 3 या 4 रीडिंग आप बार रीडिंग लेंगे, फिर 3 और 4 ऑब्जर्वेशन की आप मीन निकालोगे और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में आ गया होगा बहुत अच्छे से, वेरी गुड बेटा। तो चलिए हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, बाय बेटा।